nagpapabitik yung pagkuhan, nagnigilan na yung may narating kasan man sa dami, nagpapira ko mabitik pagkuhan, gusto yung wild card people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। और जी अदा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और हमारी शुरुआत हो गई है एक मज़ेदार से नाश्ते के साथ। और ये है चिकन सॉसेस, ये है एग, ये अदा का है, ये चाय है, और ये अदा ने सैंडविच बनाया है। और अदा, और क्या हो रहा है? और पीछे ब्रेड जैम। ये तो जी जी बिल्कुल। और अदा, आप सुनाए, ठीक ठाक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत बेहतर, करम अल्लाह का। और दो दिन से मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, मैं सुबह उठ रही हूँ। बिल्कुल, सुबह नाश्ते में हम बाबा को जो है अदा भेज रही है, सुबह नाश्ता वगैरह बाबा को अदा बना के दे रही है। और अब भी अदा ने ही बनाया है। खैर तो जी जनाब, कल मम्मा ने रेस्ट किया और सारे घर को मैंने संभाला। बिल्कुल, तो जी जनाब, अदा नाश्ते के बाद मिले। और पता है, आज सुबह होते ही मम्मा मशीन लगाने खड़ी हो गई। एक और बात, क्यों भाई? क्यों भाई? इसलिए भाई कि हमारे व्यूवर्स को पता है कि हमारा पानी आता जाता रहता है। तो और माशाल्लाह से घर से मेहमान भी गए थे, तो कपड़े वगैरह हो गए थे काफ़ी, बेडशीट वगैरह धोनी थी। तो अदा, इसलिए मैंने कहा इससे पहले पानी जाए हम मशीन लगा के फारिग हो जाए। जबकि अदा के बाबा भी बोल रहे थे अभी फ़ोन पे कि मशीन क्यों लगाई, और अदा मैडम भी गुस्सा कर रही थी। मैंने इनके उठने से पहले ही कपड़े धो लिए। मैंने मेरे से कहा कि जाओ अदा, आप ना दूसरे रूम में जाकर सो जाओ, इधर मैं मशीन लगाऊंगी तो ना इधर पर्दा वर्दा हटेगा, रोशनी वगैरह हो जाएगी। मैंने कहा नहीं अम्मा, कोई मशीन नहीं लगानी है, कि तबीयत नहीं सही, मगर फिर भी अम्मा ने लगा ली। क्या कर सकते हैं, पानी चला जाता है तो फिर बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ रख के। अदा बाजी, तो फिर अब हम नाश्ता करें फिर मिलें। हाँ बिल्कुल, अब नाश्ता करते हैं वरना हमारी चाय ठंडी हो जाएगी। ठंडी नहीं करनी है। तो मिलते हैं नाश्ते के बाद। जी आज हमारे बन रहे हैं आलू अंडे, और आलू अंडे जो है हम लोग को इतने खास शौक से खाते नहीं है। मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, मतलब मैं खाऊंगी वो अरबी गोश्त जो कि हमने परसों बनाया था। उसकी प्लेट काफ़ी सारी रखा हुआ था, अरबी गोश्त आधा बाउल बनाया हुआ रखा हुआ है अभी उसका, तो मैं वो अरबी गोश्त खाऊंगी। और ये इतनी कमी अंडे लिए हैं काफ़ी, तो यहाँ पर हमने ये अंडे को उबाल लिया है। और जो है अब इनका छिलके उतार लेते हैं अच्छे से। साइड पर मिकाइल का पानी बॉयल हो रहा है, क्योंकि अभी मिकाइल को शावर लेने जाना है, तो इस वजह से मिकाइल का पानी बॉयल हो रहा है। यहाँ पर मैं अंडे छील रही हूँ। तो जी अभी यहाँ पर मैं जो हूँ घर साफ़ करने लग गई हूँ, और ये देखें आप लोग घर कितना ज़्यादा फैला हुआ है इस टाइम। और यहाँ पर इस कमरे के कुछ अच्छे सूरत हाल या हालात नहीं लग रहे इस टाइम, तो कोई बात नहीं, अब हम कमरा साफ़ कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और ये कुछ आउट ऑफ फोकस हो रहा है, सही हो गया। ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 और वूप। और जी यहाँ पर जो है कमरा अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। और ये देखें इधर साफ़ हो गया कमरा, ये रहे बिस्तर, ये रहा शीशा, और इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, तो ये रहा बिस्तर, बिस्तर भी सब हो गया। और ये वॉकर है मिकाइल के। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी छोटा सा बच्चा जो है 3-4 महीने का, तो वो वॉकर में कैसे बैठता होगा? तो ये वॉकर मिकाइल अभी बैठता नहीं है। ये वॉकर जो मिकाइल की नानी ने गिफ्ट की है, मिकाइल की मतलब मेरी जो बड़ी ताई अम्मी है, उन्होंने वो मिकाइल की नानी लगी, तो उन्होंने मिकाइल को ये गिफ्ट की है। और ये बहुत क्यूट सी है, था इसके खोल कर रखा हुआ है। अभी मिकाइल को हमने इसमें कल बिठा कर ट्राई किया था, मगर मिकाइल के पाँव ही नहीं उसमें नीचे लग रहे। पाँव मिकाइल के हवा में ये सर से, अब मिकाइल 6-7 महीने के होंगे तब मिकाइल के लिए ये ठीक होगी बैठने के लिए। इस वजह से कल खोली थी और इसलिए अभी इसको इधर रखा हुआ है। तो जी यहाँ पर हमारा कमरा वमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और अब जो जो आगे करते हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। तो ठीक है, 1 2 3। तो जी अभी लगी है भूख, और भूख लगी है तो खाते हैं खाना। और ये रात का बिरयानी, रात की बिरयानी हमारे पास जब बची हुई थी, तो वो भी मैं खा रही हूँ, गर्म करी थी मैंने। और मैं बैठी हुई हूँ ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ मैं। और ये रहा भाई का, जो कि सारा घर साफ़ करके बैठी हूँ मैं, साफ़ करके बैठी हूँ मैं सारा घर। तो ठीक है, अभी मैं खा लेती हूँ खाना, और फिर आपसे बाद में बताती हूँ जो जो मैं करती रहती हूँ। वैसे मैंने आलूओं को भी उबालने के लिए रख दिया, क्योंकि आलू अंडे बना रहे हैं आज हम, तो उसमें आलू और अंडे तो डालेंगे। अंडे पहले ही बॉयल्ड हो चुके थे, आलू भी बॉयल्ड हो रहे हैं, मिकाइल भी नहा के फारिग हो गए हैं,
और मिकाल को चेंज करा कर सुला भी दिया था और अब मिकाल उठ भी गया सो के, मतलब कितना टाइम गुजर गया उन सब बातों को। और ये पिछले एक घंटे की बात है, नहाई नहाई भी कर ली मिकाल ने, सो भी गया और उठ भी गया। चिड़िया की नींद लेके मेरा बीबी उठता है माशाल्लाह से। तो ठीक है, अभी हम खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो जी यहाँ पर हो रही है तैयारी आलू गोश्त बनने की, तरह आलू गोश्त नहीं आलू अंडे सॉरी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया, इसके मैंने छिलके उतार दिए, लहसुन के 4 से 5 जवे ले लिए और अदरक का भी एक इंच का टुकड़ा ले लिया और उसको ग्राइंडर में डाल दिया। साइड में जो है यहाँ पर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ और प्याज को आपने गोल्डन गोल्डन सा कर लेना है। और फिर आपने जो है इस प्याज को गोल्डन करने के बाद वो जो मैंने आपको जग में दिखाया था ना सारा सामान रखा हुआ था उसमें डालना है और ग्राइंड कर लेना है। और साइड पर जो है यहाँ पर हमारे आलू उबाल लिए हैं मैंने और ये देखिए सॉफ्ट बिल्कुल हल्के से कच्चे रखने हैं कि आपके मसाले के साथ आलू भी गल जाए। और यहाँ पर प्याज फ्राई हो गई है तो इस प्याज को जो है अब मैं ग्राइंडर में डाल देती हूँ और प्याज को और टमाटरों का पेस्ट बना लेती हूँ। तो इधर बन रहा है पेस्ट। तो ये देखें जी यहाँ पर जो है हमने ये अंडों को फ्राई करके निकाल लिया है और इधर देखें इसका पेस्ट बना दिया था और ऑयल में डाल दिया था, अब इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो जी यहाँ पर जो है रोटियाँ भी बन गई हैं हमारी, तो अब यहाँ पर रोटियों को भी पैक करके रख देते हैं। ठीक है जी रोटियाँ पैक और तैयार। यहाँ पर आलू अंडे भी मैंने बना लिए थे, फिर मैंने उसके बाद इसमें पानी डाल दिया था, आलू डालने के बाद इसमें पानी डाल दिया था मैंने और फिर मैंने इसमें एक चम्मच दही का डाल दिया था। वैसे तो अभी मेरी रेसिपी हमारे चैनल पे देखिएगा, फिर भी मैंने आपको मोटी मोटी रेसिपी तो बता ही दी है। फिर उसके अंदर मैंने जो है वो डाला दही डाले था, कसूरी मेथी नहीं थी तो कसूरी मेथी मैंने डाली भी नहीं इसमें, फिर लाजमी नहीं है अगर ज़रूरी ही है कसूरी मेथी डालना, इसे मैंने नहीं डाली कि नहीं थी। तो मैंने इसमें अंडे डाल दिए, आलू डाल दिए, फिर एंड में आलू तो बीच में डाल दिए थे, अंडे एंड में डाल दिए और शोरबा बीच पहले छोड़ दिया था, शोरबे को उबाल लिया, उसमें हरी मिर्ची डाल दी, हरी मिर्ची ने खुशबू छोड़ दी और फिर अंडे डाल दिए और यहाँ पर आलू अंडे तैयार हो गए हैं और बहुत मक्खी की खुशबू भी आ रही है। तो आप लोगों को भी अगर आलू अंडे अच्छे लगते हैं ना तो आप लोग इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा भी, मतलब मेरे भाई का ये फेवरेट डिश है आलू अंडे। जब भाई से पूछे क्या बनाए, आलू अंडे बना ले, आलू अंडे बना ले अम्मा, आलू अंडे बना लो, फल्ला आलू अंडे का नाम सुन सुन के मैं थक जाती हूँ भाई के मुँह से। बहरहाल तो यहाँ पर आज भैया तो बहुत खुश हो जाएंगे मगर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही आलू अंडे को देख के, तो मैं अरबी गोश्त खाऊँगी आज भी और आलू अंडे। उस दिन पता मैंने अरबी गोश्त पूरा नहीं खाया था क्योंकि मैं नाश्ता खाना रात का खाना खाने बैठी ही थी तो मिकाइल रोने लग गए और फिर मैं मिकाइल को मिकाइल का फीडर बनाने में लगी, मिकाइल का पेट भरवाया, जब फिर मैंने फिर मेरी भूख ही मिट गई, फिर मेरा खाना खाने का कोई दिल ही नहीं करा और फिर मैं ऐसे ही सो गई थी उस दिन। तो इस वजह से मैंने उस दिन आलू अरवी मतलब अरवी गोश्त सही से खाया भी नहीं था। तो देखें आज मैं अरवी गोश्त खाती हूँ या कुछ बाज़ार से मंगा लेती हूँ, मगर आलू अंडे मुझे नहीं पसंद तो मैं आलू अंडे तो नहीं खाने वाली जिधर तक मुझे लगता है। अगर आप लोगों को आलू अंडे पसंद है ना तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को आलू अंडे शोरबे वाले पसंद है या आप लोगों को आलू अंडे टूटे हुए पसंद है। अच्छा मैं टूटे हुए खा लेती हूँ आलू अंडे, वो जो अलग अलग हुए होते हैं ना आलू अंडे, मगर मैं शोरबा लेते शौक से नहीं खाती। बहरहाल चले आलू अंडे पे हमारे 2 मिनट निकल गए, हम आगे चलते हैं और आगे जो करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी ये रहा मिकाइल का सीट है और मिकाइल अपने सीटर पे बैठे हैं और ये मिकाइल का बहुत ही क्यूट मिक्की माउस वाला सीटर है और इसके ये कान अम्मा मिक्की माउस नीचे वाले भी नीचे वाले तो हाथ है बेटा, ये कान है और ये कान है और ये बहुत क्यूट मिक्की माउस वाला सीटर है बेबी का और बेबी इसमें बैठे हुए हैं, मजे से बैठे हुए हैं बेबी इसमें और हिला भी रहे अपने सीटर को, और खुद ही हिला भी रहे हैं बेबी अपने सीटर को, बहुत मजे आ रहे हैं भाई। सुबह में वॉकर दिखाई और अभी सीटे मिकाइल बाबा ओ बाबा टॉर्च को देख रहे हैं इस टाइम, टॉर्च पे नजरें हैं भाई मिकाइल की तो हैं भाई मिकाइल मिकाइल बाबा। आप लोग जी फटाफट जाएं नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फटाफट से। आप भी बोलती हैं ये लाइन मम्मा, और क्या आपके बोलने से तो सब्सक्राइब आ नहीं रहा, मैंने कहा शायद मेरा बोलने से आज तो छेती छेती जाएं। तो जी अब वक्त हो जाता है मेरे डिनर का, मुझे कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था मीठा खा लूँ कुछ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है फूफो वाला जो है जर्दा लिया
और उसके अंदर मैंने जैम मिक्स कर लिया और मुझे अच्छा लग रहा है जैम के साथ इसका कलर। मैं टेस्ट करके बाद में देखूंगी कि कैसा है। OMG हाय, मुझे इलायची नज़र आ गई, वरना मुझे इलायची इस पर नज़र नहीं आती और ये मेरे मुँह में आ जाती है। और देखिए इलायची कितना अच्छा निशान छपा हुआ है, देखिए। चलो शुक्र है इलायची निकल गई इसमें से। और थोड़ी देर पहले देखिए मैंने इलायची ही खाई है। तो चलो ये निकल गई। और आज का व्लॉग भी हम इसी के साथ एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी 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 ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए, ठीक है जी। तो अब हम इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत बुरा लगता है। इतनी मेहनत कर रही हूँ, डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, डेली रात में बैठ के एडिट करती हूँ, मगर आप लोग हैं कि सब्सक्राइब ही नहीं करते भाई, सब्सक्राइब ही नहीं करते। ऐसा नहीं चलेगा, आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, अच्छा। क्योंकि मैं देखती हूँ नॉन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इतने सारे हैं जबकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। जो सारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देख लेते हैं हमारा चैनल मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते, बुरी बात है ना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई और आप देखकर ऐसे चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। अब से आपने ये दोनों चीज़ों को करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर आपके साथ। आप लोग भी ऐसे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जर्दे के साथ जैम का कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।